मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वाधान में डॉक्टर अंबेडकर पर आधारित व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित। भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद दतिया द्वारा सभागार जनपद पंचायत दतिया में व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पहार पहनाकर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अरविंद उपाध्याय, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास दतिया, विशिष्ट अतिथि के रूप में रामजी शरण राय, संचालक स्वदेश संस्था रतन सिंह यादव राजपुर, देवेंद्र बौद्ध नव सहभागी संस्था व अतुल उपाध्याय सोनागिर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शैलेंद्र लिटोरिया ब्लॉक समन्वयक जन अभियान परिषद दतिया द्वारा की गई। व्याख्यान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री उपाध्याय द्वारा बाबा साहब के राष्ट्रीय योगदान की सराहना करती हुई उनके द्वारा प्रदत्त मार्ग के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि सर्वहार वर्ग की चिंता बाबा साहब ने की थी। देश एक हो, आपको मालूम तो स्वामी जी महाराज जब आए थे दतिया में और उनको 1962 का जब युद्ध हुआ था, उनको कहा गया था कि हवन आप करेंगे और उमावती बाई को आप आह्वान करते हैं तो आपको शारीरिक कष्ट होगा, आप जीवित नहीं रहेंगे। तो उन्होंने क्या स्वीकार किया था, आप देख रहे हैं आज क्यों उन्हें जाना जाना है, बाबा साहब को क्यों जानते हैं, देश के लिए तो जानते हैं, समाज को एकत्र करने के लिए तो जानते हैं, विभाजन वाले को कौन जानता है बताओ ना मुझे, जिन्ना साहब को कौन याद कर रहा है। आज भी हम कहीं ना कहीं किसी चीज को मुद्दे को सुलझाने में बड़ी समस्या आती है। आज हम कह देते हैं सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हम कोर्ट चले जाएंगे, आप नहीं मानो कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट बना कहाँ से, शक्ति कहाँ से दी, वो तो समझो। हर व्यक्ति की चीजें डिसाइड की गई कि मतलब आप विधायिका है तो आप ऐसे रहेंगे, कार्यपालिका है तो आप ऐसे रहेंगे, न्यायपालिका है तो आप ऐसे रहेंगे, ये दायित्व तो बाबा साहब ही लेके गए। जो आज मैं कर रहा हूँ आपके सामने बोल रहा हूँ, आपके पद प्रतिष्ठा पे बैठा हुआ हूँ, आप मुझे जिला कार्यक्रम अधिकारी के नाम से जान रहे हैं। उन्होंने ये काम करके दिया है क्योंकि मध्य प्रदेश के ही लोग हैं जो तो मतलब बड़े बड़े रामप्रसाद बिस्मिल को जानते होंगे, मध्य प्रदेश से जन्मे थे, जिन्ना सत्याग्रह हुआ था उनको भी जानते होंगे, जब चरण पादुका वाला केस हुआ हुआ तो उनको भी जानते होंगे, जो जाटा जी तुम लोगों ने शायद नाम सुना हो, जबलपुर में जो ग्रीन स्टम्पिंग होती है उसमें जाटव साहब ही कर रहे थे, उसका पूरा जो झंडा चढ़े थे उसके बाद झंडे का पिछला ये सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं। जो विकृतियाँ होती हैं उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सबसे अच्छा तरीका संविधान होता है। हम किसी धर्म या कहें तो क्या होगा, प्रेम साहब कहेंगे कुरान से अलग चलेंगे, हम हमारा ये संप्रदाय है, अगर हम देखें तो मगध में इतने संप्रदाय पैदा हो गए थे कि हम भी समझ नहीं पा रहे थे कि हम किस संप्रदाय में हम कौन थे क्या है, उन्होंने मिलकर। अब हम समाज के धर्म की बात नहीं करते, हम संविधान की बात करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि कानूनी किताब हमको ऐसी दे दी जिसमें सर्वसमभाव की बात करते हैं। वो चीज़ है कि ठीक है हम चुनाव की राजनीति की वजह से नहीं उनको लागू कर पा रहे हैं।